हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर मैं डेली आपको एक स्टेट कवर कराऊंगी। उस स्टेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी सारी की सारी आपको कवर कराई जाएगी, जो आपके डीआरडीओ में, रेलवे में और एसएससी के आगे आने वाले एग्जाम, हर एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इससे पहले डेली मैं शाम को 8 बजे आपको टोटल मैंने 54 पार्ट दिए हैं जीके के, और हर पार्ट के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन होते थे और उनके हर पार्ट में चार चार ऑप्शंस भी लिए हैं मैंने। यानी अब तक कम से कम मैंने आपको 2000 के करीब जो क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, वो क्वेश्चन आप डेली दोबारा सुनना। एक स्टेट आपको कवर करना है और पहले पार्ट से लग जाना। आप प्लेलिस्ट बनाई गई है और इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें स्टेट वाइज आपको जीके कवर कराई जाएगी। अब आपका काम क्या है, डेली एक स्टेट आपने कवर करना है, उसके साथ साथ आपने डेली वो पार्ट जरूर सुनने हैं। अभी तक टोटल 54 पार्ट मैंने अपलोड किए हैं, पहले पार्ट से आपने रिविजन करनी है। पहला पार्ट आज आपने सुनना जरूर है इसी वीडियो के साथ। जैसे ये वीडियो खत्म होगी, आपने डीआरडीओ जीके वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर से जीके का पहला पार्ट सुनना है, जिसके अंदर मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे आपको रिवाइज करने हैं। ओके, जैसा बता रही हूं अगर वैसा करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे आपके जीके के अंदर। मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी डेली अपलोड की जाती है, कोई भी कहीं भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप लोग। ओके, तो आज हम भारत में टोटल कितने राज्य हैं वर्तमान में, 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं। आज हम पहला स्टेट कवर करेंगे मणिपुर। मणिपुर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं मैं सारी कवर कराऊंगी। आप लोग अपने नोट्स बना लेना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बोलूंगी यहाँ पे, और आप जो नोट्स ये बनाए गए हैं जो मैंने लिखे हैं ये इंग्लिश में है, मैं बोल दूंगी आप लोग हिंदी में लिख लेना। ओके, सबसे पहले कोई भी स्टेट आएगा उसका कैपिटल, सीएम और गवर्नर हमें याद होना चाहिए। मैं बताऊंगी बिल्कुल करंट के हिसाब से। अगर आप लोग वीडियो, यानी मैं बना रही हूं मणिपुर की जो ये वीडियो है मैं बना रही हूं 29 फरवरी 2020 को, अगर ये वीडियो आप बाद में कभी सुन रहे हो तो उस टाइम का जो भी सीएम या जो भी गवर्नर होगा आप लोग अपनी तरफ से अपडेट कर लेना। ओके, जो भी बच्चे बाद में ये वीडियो देखेंगे ये बात उनके लिए है। सबसे पहले मणिपुर की कैपिटल क्या है, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फोल। सबको याद हो जाएगी मणिपुर की कैपिटल है इम्फोल, अभी भी यही रहेगी और बाद में भी यही रहेगी, ये कभी नहीं बदलने वाली। एक बार आपने याद कर ली तो ये फिक्स रहने वाली है। उसके बाद मणिपुर का सीएम, सीएम का मतलब होता है मुख्यमंत्री। मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह जो है वो मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, ठीक है। और मणिपुर के वर्तमान में गवर्नर, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, राज्यपाल कौन है, ये है नजमा हेपतुल्ला। आप इसको चेंज कर लेना क्योंकि ये बार बार चेंज होते रहते हैं, तो बार बार मैं यहां पर कटिंग नहीं कर सकती और इतना टाइम नहीं होता कि ये जो नोट्स हैं वो मैं बार बार बनाऊं, ठीक है। तो मणिपुर के जो गवर्नर है वो कौन है, नजमा हेपतुल्ला। ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है वही वर्तमान के अंदर मणिपुर की गवर्नर है, नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। आप लोग अपने नोट्स बना लेना, आगे आने वाले हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। मणिपुर की कैपिटल इम्फोल है, सीएम एन बीरेन सिंह है और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है, ठीक है। ये वर्तमान का बता रही हूँ मैं, 29 फरवरी 2020। फ्यूचर में कभी सुनो तो अपडेट जरूर करना सीएम और गवर्नर, हो सकते हैं चेंज हो जाए। नेक्स्ट है टोटल डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर में टोटल कितने जिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज मैथेई है या फिर मणिपुरी है, दोनों में से जो भी ऑप्शन में आए वो आप टिक कर सकते हो, मैथेई या फिर मणिपुरी। ओके, उसके बाद पूछा जाता है सीट, सीट यानी कि लोकसभा सीट कितनी है और राज्यसभा सीट कितनी है। मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, हमारे देश में एक संसद है, अगर पूछे संसद के सदन कितने होते हैं तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछे संसद के अंग कितने होते हैं, तो अंग 3 होते हैं, इसके अंदर राष्ट्रपति भी इंक्लूड कर दिया जाता है। ओके, अब अगर पूछे संसद का अनुच्छेद बताओ, तो संसद का 79 है, लोकसभा का संसद का 79 है, राज्यसभा का 80 है, लोकसभा का 81 है। ये मैंने ट्रिक आपको बताई हुई है, सरल, सैसे बनेगा संसद, रैसे राज्यसभा, लैसे लोकसभा, तो यहां से याद रखना है 79, 80 और 81। ये मैंने पहले आपको ये ट्रिक बता रखी है और अब मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। ये सीरीज अगर आपको पसंद आएगी तो ही इसको कंटिन्यू किया जाएगा, कि ये मेथड कैसा लग रहा है आप लोगों को। स्टेट वाइज जीके करनी बहुत जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको 54 पार्ट दे दिए जीके के, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए, जिनकी रिविजन भी मैं आपको यहाँ पे साथ में कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है संसद का कोड हो गया, संसद का कोड क्या, संसद का हमारे पास अनुच्छेद हो गया, लोकसभा का हो गया,
राज्यसभा का हो गया। राष्ट्रपति का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो 52 में है, ये भी मैंने आपको पहले करा रखा है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा की सीटें, हर राज्य की लोकसभा सीट होती है, राज्यसभा सीट भी होती है, तो मणिपुर में लोकसभा सीटें कितनी है, तो लोकसभा सीटें पूछे तो आंसर आएगा 2 और राज्यसभा सीटें पूछे तो आंसर आएगा 1। आ गया समझ में, ये आपको याद होना चाहिए। मणिपुर की लोकसभा सीट 2 है और मणिपुर की राज्यसभा सीटें कितनी है, 1 है, याद होना चाहिए। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 है और लोकसभा का अनुच्छेद 81 है, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है मणिपुर से, वो बनता है मणिपुर टच बॉर्डर, टच ऑफ मणिपुर, यानी मणिपुर का जो बॉर्डर है वो कितने स्टेट से टच होता है, तो कितने स्टेट से होता है, 3 स्टेट से होता है, और वो 3 स्टेट कौन कौन से है, एक है नागालैंड, एक है मिजोरम और एक है आसाम। नागालैंड, मिजोरम और आसाम से मणिपुर का बॉर्डर टच होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक कंट्री से भी टच होता है, वो कंट्री कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है कि मणिपुर का जो बॉर्डर है वो किस कंट्री से टच होता है, तो वो है म्यांमार। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है, ये तो पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा, ये आपको याद रखना है, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। म्यांमार देश का नाम है, म्यांमार की कैपिटल है नेपिडा, म्यांमार की कैपिटल है नेपिडा, और म्यांमार की करेंसी क्या है, कयात, ठीक है, नेपिडा और कयात, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद मणिपुर बना कब था, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर बना था। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो नीचे आप आराम से कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं उसको अपडेट कर दूंगी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा हमारा वो ये बनेगा, मणिपुर में कौन कौन से नेशनल पार्क है जो आपको याद करने हैं। मैं आपको जो जीके कवर कराऊंगी वो इंडिया जीके के हिसाब से कवर कराऊंगी, जो मणिपुर वाले स्टूडेंट होंगे, मणिपुर की अगर वो अपना स्टेट लेवल कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उनको तो पूरा मणिपुर पढ़ना पड़ेगा, जैसे हरियाणा वाले बच्चे हैं पूरा हरियाणा पढ़ते हैं, यूपी वाले बच्चे हैं पूरा यूपी पढ़ते हैं। मैं जो जीके कवर कराऊंगी वो इंडिया के हिसाब से कराऊंगी, जो डीआरडीओ में आनी है, जो रेलवे में आनी है या जो एसएससी में आनी है, ओके, उतने ही पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा भी आपको कुछ मिले तो आप लोग कवर कर लेना, ठीक है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं मणिपुर में, 2 ही नेशनल पार्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। पहला नेशनल पार्क है काइबू लैमजाओ नेशनल पार्क, पूरे विश्व का, पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये काइबू लैमजाओ नेशनल पार्क। भारत के किस राज्य में है, मणिपुर में है, और किस झील पर बना हुआ है, ये लोकटक झील पर बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आता है लोकटक झील कहाँ पर है, तो वो भी मणिपुर में है। दूसरा नेशनल पार्क है सिरोही, सिरोही नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, मणिपुर में है, ठीक है। उसके बाद लोकटक झील पर एक क्वेश्चन बन सकता है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि उत्तर पूर्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी वो लोकटक झील ही आएगा। आ गया समझ में, नेशनल पार्क को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी वन्य जीव अभयारण्य। मणिपुर में 2 वन्य जीव अभयारण्य है, एक है खोंग जाइंगबा चिंग और एक है यगो उपोपकी लोकचाओ, ठीक है। ये 2 वन्य जीव अभयारण्य है मणिपुर के अंदर। एक बार आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जैसे मैं डेली आपको रिवाइज कराऊंगी आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा, हर एक स्टेट आपके टिप्स पे होगा, जैसे जीके आपके टिप्स पे हुई है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जीके के याद है। उसके बाद डांस, डांस 2 प्रकार के होते हैं, क्लासिकल डांस और फोक डांस, यानी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। मणिपुर में एक ही नृत्य है, वो भी क्लासिकल डांस है, कौन सा है, मणिपुर है, मणिपुरी है, मणिपुर के अंदर मणिपुरी चलता है। आगे समझ में, तो नेशनल पार्क कैपिटल सीएम गवर्नर, कैपिटल इंफॉल है, सीएम एन बीरेन सिंह है और वर्तमान में गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। जिले कितने हैं, 16 है, लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा सीटें 1 है, ठीक है। इसको आप एक तरीके से और भी याद कर सकते हो, आप याद करो मणिपुर का डीएलआर कोड, डीएलआर का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा और राज्यसभा। मणिपुर का डीएलआर कोड क्या हो गया, 1621, यानी 16 जिले हैं, 2 लोकसभा है और 1 राज्यसभा है। जब भी मणिपुर आए आप याद कर लो मणिपुर का कोड क्या है, 1621, जैसे आप अपना फोन नंबर याद करते हो उसी प्रकार से। एक बार डिफिकल्ट लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। नेक्स्ट कोई भी पॉइंट यहाँ से नहीं याद करना आपने, ना कोई डैम इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता, ना कोई टेंपल और ना ही कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर आपको मिलता है तो आप कवर कर सकते हो, मेरी तरफ से जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपको कवर कराऊंगी। क्या क्या पढ़ना है, कैपिटल सीएम गवर्नर पढ़ना है आपने, उसके बाद इसका बॉर्डर कितने स्टेट से टच होता है, कितनी कंट्री से होता है, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, मणिपुर बना कब था, मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण और डांस, ठीक है, और कौन सी यहाँ पे झील है, इतनी चीजें आपको कवर करनी है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाएगी तभी जब आपका रिस्पांस अच्छा होगा। हर स्टेट कवर कराऊंगी, जितनी इंफॉर्मेशन है सारी कवर कराई जाएगी। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ओके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू।